अभी तक में आपका स्वागत है। मैं ऋचा अग्रवाल हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। बिजनौर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने फायर ब्रिगेड और नगर पालिका की गाड़ियों को सैनिटाइजेशन हेतु हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगीना के गंज बाजार में गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दुकान खोलकर खुलेआम दुकानदारी कर रहे व्यापारी। लोकप्रिय किसान नेता और रालोद अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का निधन। पार्टी कार्यकर्ताओं में दौड़ी शोक की लहर। चांदपुर के गांव पांडला में हर्ष फायरिंग करते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। जीत के जश्न में डूबे प्रत्याशी ने विजय जुलूस निकालते हुए हारे हुए प्रत्याशी के घर में की तोड़फोड़। सिहारा क्षेत्र के ग्राम किवाड़ का मामला। हाँ राजू भाई, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। हाँ वो तो पता है मुझे, लेकिन और क्या चल रहा है? और फॉग ही चल रहा है। सोचिए मत, क्योंकि बिना गैस वाला फॉग ही है इंडिया का नंबर वन परफ्यूम बॉडी स्प्रे। अब क्या कहूँ, कोई मानता ही नहीं। ऑफिस में रोज पूछते हैं फेशियल करा के आई है, अब उन्हें क्या मालूम मेरा सीक्रेट। व्हाइट टोन फेस पाउडर, जिससे मुझे मिले ऑयल फ्री लुक, इवन टोन और खिला खिला निखार। व्हाइट टोन फेस पाउडर, आपका चेहरा तारीफ पाने को तैयार। जनपद बिजनौर की नगीना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कालागढ़ पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे 16 लोगों का चालान कर 3000 रुपए संयोजन शुल्क वसूला। रिटायर्ड जेएस अलमानी परिवार ने लगवाई कोरोना वैक्सीन और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। जनपद बिजनौर में बढ़ते कोरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए सरकार के साथ साथ जनपद का प्रशासन भी पूरी तरह से प्रयासरत है, जिसके तहत बिजनौर में सैनिटाइजेशन अभियान चलाते हुए फायर ब्रिगेड और नगर पालिका के वाहनों द्वारा नगर के मुख्य स्थानों को सैनिटाइज किया गया। इससे पूर्व बिजनौर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने फायर ब्रिगेड और नगर पालिका के वाहनों को सैनिटाइजेशन के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिजनौर से अभिषेक भारद्वाज की रिपोर्ट। कितनी समितियां हैं बनी हुई हैं हमारे यहाँ? निगरानी समितियां 2509 जी, और जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स हैं वो 47। उनका अलग काम है, उनका अलग काम है दवा घर घर पहुंचाना उन लोगों के लिए भी जो पॉजिटिव आए हुए हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनका अभी टेस्ट नहीं हुआ है लेकिन उनके पास लक्षण हैं, उनको भी दवा पहुँचाने की कार्रवाई, उनका अभियान कल से प्रारंभ। किस तरह से निगरानी समितियाँ काम कर रही हैं वहाँ पे गांव में? देखिए, निगरानी समितियों में कोई समिति, वैसे तो प्रधान भी नवनिर्वाचित हो गए हैं, उनसे भी अनुरोध किया गया है, हमारी आशाएँ हैं, हमारी NMs हैं, जाकर के देखते हैं कि बाहर से आए हुए लोग या लक्षण जिनको आ गए हैं कोरोना के, ऐसे कौन लोग हैं, उनको क्या सुझाव दिया जाना है, अगर कोई परेशानी में है, कोई उसको कोविड के लक्षण ऐसे हैं जिनमें तुरंत टेस्ट होना है, तो उनके टेस्ट कहाँ होंगे, टेस्ट वाले की टीम ला करके या उनको CHC पर पहुँचवा करके उनका टेस्ट कराना और दवाइयाँ उपलब्ध। तो कैसे जाँच कर रहे हैं वहाँ पर गाँव में वो लोग? देखिए, गाँव में जाँच की व्यवस्था नहीं है, जाँच की व्यवस्था तो टेस्ट की CHC पर ही है। नहीं, सरकार का कहना है कि थर्मल स्क्रीनिंग पास ऑक्सीमीटर वहाँ मौजूद है, लेकिन हम एक गांव में गए, वहाँ हमने हकीकत जानी, वहाँ पर उन पर कुछ नहीं था, सिर्फ नाम पूछ रहे हैं और मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? ऑक्सीमीटर प्रत्येक गांव में खरीदवाए गए और 385 हमारी निगरानी समितियाँ उनके पास। देखिए, एक बड़े गाँव में एक पल्स ऑक्सीमीटर आप किसी एक जगह देखिएगा, संभव है कि वहाँ आपको न पता हो और न मिल पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो उस गांव में है और यूज हो रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग हो रहा है। लोग लगातार मर रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में, कैसे बचे बिजनौर वासी? कोरोना के
स्थिति क्या है ये सब लोग इस बात की बात से भली भांति अवगत है। जिला अस्पताल में और हमारी सारी CHCs में हमने ऑक्सीजन की और बेड की व्यवस्था है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ सिर्फ दो हैं जिनमें व्यवस्थाएं कराई गई हैं, बाकी जनरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना का उपचार उनके पास नहीं है और वो कोशिश भी करेंगे तो ऑक्सीजन की व्यवस्था लगातार नहीं कर पाएंगे। हमारा अनुरोध जनसामान्य से यही है कि जिला अस्पताल में या अपने निकटस्थ CHC पर जाएं, वहाँ उनको व्यवस्था मिलेगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, वहाँ व्यवस्था है। अच्छा डीएम साहब, सरकारी अस्पताल की अगर बात करें तो वहाँ पर फिलोमीटर नहीं है, क्या कहना है इस बार? फिलोमीटर जो ऑक्सीजन में लगाया जाता है सिलेंडर में, वो नहीं है उपलब्ध? देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, और जो उसका कनेक्टर होता है, रेगुलेटर होता है, उसकी आप बात कर रहे हैं। जितने की हमारे वहाँ कैपेसिटी है उतना हमारे पास है और CMO के सिस्टम के पास है, जैसे ही डिमांड होती है वहाँ से दिला देते हैं। मुश्किल ये है कि पेशेंट अपने आप उसको यूज़ करके तोड़ दे रहे हैं, नुकसान कर दे रहे हैं। अनुरोध है कि ऐसा ना करें, क्यों उन्हीं के प्रयोग करें। जिले में ऑक्सीजन की धारा बढ़ाया जाए, सिलेंडर बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या लगातार हम पड़ोसी मंडलों से और अपने मंडल से जहाँ से हमें ऑक्सीजन, यहाँ तक कि हरिद्वार से और ऊधम सिंह नगर से भी संपर्क में है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमको उपलब्ध हो सकती है हम कोशिश कर रहे हैं। जितनी हमें चाहिए है उतनी अभी हमको नहीं उपलब्ध हो पा रही है, इसलिए हम प्राइवेट लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ सरकारी सिस्टम ही। कोविड-19 का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश सरकार और जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन लगातार बढ़ रहे वायरस की रोकथाम के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन कुछ लापरवाह लोग सरकार और प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को पलीते लगाते दिख रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला नगीना के गंज बाजार में, जहाँ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं व्यापारी भी खुलेआम दुकान खोलकर कालाबाजारी कर रहे हैं और स्थानीय पुलिस प्रशासन आंखें मूंद कर तमाशा देख रहे हैं। यहां लोग का आवागमन और खरीदारी खुलेआम चल रही है और पुलिस प्रशासन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा मत, जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। जनपद बिजनौर के सिहारा थाना क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद जश्न मनाते हुए जीते हुए प्रत्याशी द्वारा हारे हुए प्रत्याशी के घर में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के सख्त आदेश के बावजूद प्रत्याशी विजय जुलूस निकालने से बाज नहीं आ रहे। सिहारा थाना क्षेत्र के ग्राम किवाड़ में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहाँ चुनाव में जीतने के बाद प्रत्याशी ने कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला और हारे हुए प्रत्याशी के घर के बाहर जोर जोर से ढोल बजाते हुए गाली गलौज भी की, जिसका विरोध करने पर प्रत्याशी समर्थकों ने हारे हुए प्रत्याशी के घर में घुसकर तोड़फोड़ और परिजनों के साथ मारपीट भी कर डाली, जिसके बाद पूरे मामले की शिकायत हारे हुए प्रत्याशी इशरत ने घटना की वीडियो सहित DIG से कर दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेकर आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौड़ ने बताया कि गांव में फिलहाल स्थिति सामान्य है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत अली है। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम किवाड़ से बिलोंग करता हूँ और मैं आपके प्रधान के चुनाव का प्रत्याशी था। प्रधान का चुनाव लड़ते हुए मैं दूसरा नंबर पाया हूँ आपकी बार, और आने का मुझे मतलब हारने का इतना बड़ा दुख नहीं है जितना कि मुझे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं सगुफ्ता वाइफ शौकत अली, उन्होंने जीतने के बाद जो गांव के अंदर उत्पात मचाया है उससे गांव में इतनी अफरा तफरी का माहौल है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। जब मैं हारने के बाद में गांव में आया था तो उसके बाद जब ये जीतने के बाद आए तो इन्होंने लगभग चार ढोल के साथ गाँव के अंदर कोविड-19 की सारी उसको दरकिनार करते हुए इतना बड़ा जुलूस निकाला। 250-300 आदमी इनके जुलूस में थे, पूरे गांव में जुलूस निकाला। उसके बावजूद चार मरतबा ये लोग मेरे घर पर आए, चौथी मरतबा जब ये लोग मेरे घर पर आए तो घर के अंदर घुस गए। इन्होंने घर में उत्पात मचाया, गंदी गंदी गालियाँ दी, अंडे फेंके और
मुझे आइंदा से अलग से ना लड़ने की चेतावनी दी, और मेरा जो घर के नज़दीक मेरा कारखाना है जैकेट का, वहाँ जाके इन्होंने मेरी कुर्सी वगैरह तोड़ी और मेरी मशीनें फेंकी मुझे। तो आपने पुलिस से मदद की गुहार लगाई? हाँ, मैंने उसके बाद DIG से मदद की गुहार लगाई, और कल रात को उन्होंने मुझे, दो पुलिस वाले पूरी रात मेरे घर पर सुरक्षा में दिए। अब भी मुझे इन लोगों से अपनी जान का काफ़ी खतरा बना हुआ है, मुझे डर है कि कहीं ना कहीं ये लोग मुझे नुकसान पहुँचाएंगे ज़रूर। इन लोगों से जो है मेरी सुरक्षा की मैं आज भी गुहार लगा रहा हूँ प्रशासन शासन से कि मेरी सुरक्षा प्रदान की जाए इन लोगों से, और इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। अपने डिवीजन मुरादाबाद की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।